हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर है, कक्षा 12 की फिजिक्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। यानी उसमें उससे पहले हम लोगों ने 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिए थे। आज 11, 12, 13, 14 इस पार्ट के, इस वीडियो के पार्ट में आपको मिलेंगे इनके सॉल्यूशन। और आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व स्टार्ट करने से पहले वही एक काम करना है आपको कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस क्लास के सेशन को। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा है और ऊन से रगड़ा जाता है। मतलब कि इनकी चर्चाएँ ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बनाते हैं और वो बोल रहे हैं कि कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है। तो ऐसे मान लेते हैं ये क्या था, पॉलीथीन था। क्या था? पॉलीथीन का, ये पॉलीथीन का टुकड़ा था। फिर किससे रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है। ऊन तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, ये ऊन हो गए। चलो, अब पॉलीथीन के टुकड़े से ऊन को रगड़ा जाता है तो जिससे ऋणावेश इतना उत्पन्न होता है। कितना ऋणावेश उत्पन्न होता है, 3×10⁻⁷ कूलम। ठीक, तो कितना ऋणावेश उत्पन्न हुआ, यानी क्यू का मान दे दिया 3×10⁻⁷ कूलम। यानी पॉलीथीन और ऊन को रगड़े तो रगड़ने पर इतना कूलम आवेश उत्पन्न हो गया। तो उसमें फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, वो क्या कर रहा है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, ऊन से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन के टुकड़े पे इतना ऋणावेश उत्पन्न होता है। पॉलीथीन के टुकड़े पे इतना ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि पॉलीथीन पे जब इतना आवेश उत्पन्न हुआ तो पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन गया होगा। ऊन से निकलकर किस पे इलेक्ट्रॉन गया भैया, ऊन से निकलकर पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना, यानी आपको बताना है। और ई का मान आप जानते हैं 1×10⁻⁹ कूलम। एक बार फिर से सवाल को रिपीट करते हैं कि भैया ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा गया, जब ऊन को पॉलीथीन से रगड़े तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन पे चला गया तो पॉलीथीन कौन सा हो गया, ऋणावेश हो गया। और ऊन कौन सा हो गया, धनावेश हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो वही आपका फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आइए फर्स्ट भाग को हल करते हैं। हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्यू बटे ई। और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 3×10⁻⁷ कूलम। और ई का मान कितना है, 1×6×10⁻⁹ कूलम। ठीक, अब देखिए ये 19 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा। ऊपर ले जाइएगा इसको तो 3×1×6×10⁻½। यहाँ 12 बचे थे, नीचे माइनस थे, ऊपर चले गए प्लस हो गए। ये पॉइंट काटे, यहाँ 0 लगा दिए तो 30 कितना आ गया, 16×10⁻½। तो आप इसको भाग देंगे तो 1.87 कुछ करके आएगा, लगभग आप इतना जाएगा कि 1.87×10⁻½। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की हस्तांतरित हुए, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हस्तांतरित हो गए। किससे, ऊन से इतने इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चले आए। इतनी बातें समझ में आई भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान हस्तांतरित होगा, क्या ऊन से, क्या ऊन से। तो भैया ऊन से जो है, ऊन से क्या पॉलीथीन पे, क्या ऊन का जो द्रव्यमान है, जो ऊन का द्रव्यमान है वो पॉलीथीन पे जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का द्रव्यमान होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊन से निकलकर पॉलीथीन पे जाएंगे उतना द्रव्यमान पॉलीथीन का बढ़ जाएगा और उतना इलेक्ट्रॉन, उतना ऊन का द्रव्यमान घट जाएगा। फिर से बातें को क्लियर करते हैं भाई साहब, पॉलीथीन ये ऊन से जो है इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सॉरी 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 क्या
ऊन से जो है ना पॉलीथीन पर द्रव्यमान का हस्तांतरण होगा। क्यों हस्तांतरण होगा वो हम बता दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस पे से निकल कर इस पे जाएंगे तो उतना इसका द्रव्यमान ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हाँ, क्या लिखेंगे? ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान हस्तांतरित होगा, इसका उत्तर हाँ हो गया। फिर ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, अब आप बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1.87 गुणे 10^12 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10^-31। ठीक, आप इसे हल कीजिएगा। अब देखिए 31 में से 12 घटा देंगे तो लगभग 19 आ जाएगा, और 1.87 गुणे 9.1 गुणे 10^-19 कितना आ गया? 19। ठीक, अब आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो आपका आंसर मिलने वाला है वो आपको गुणा करने के बाद आ जाएगा 1.8 × 10^-18 kg। ठीक, आप इसको ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ऊन से जो है पॉलीथीन पर इतना द्रव्यमान क्या हो गया? हस्तांतरित हो गया, अर्थात ऊन में इतने द्रव्यमान की कमी आ गई और पॉलीथीन में इतने द्रव्यमान की बढ़ोतरी हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग 12 जो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? दो अचालकीय आवेशित कॉपर के धातु के गोले हैं। ध्यान से समझिएगा, दो अचालकीय आवेशित कॉपर धातु के गोले ए और बी। तो ध्यान समझिए, मान लेते हैं कि ये दो ठो गोला है ठीक, और ये गोला ए है, उसके बाद ये कोई दूसरा गोला है ठीक, ये गोला कौन सा? बी है। ये कोई गोला ए है, ये कोई गोला बी है। केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी कि गोले के केंद्र से यहाँ से लेके यहाँ तक गोले के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेमी है। कितना है? 50 सेमी है। इतनी बातें समझिएगा। फिर अगर आप प्रत्येक पर आवेश 6.5 × 10^-7 गुलाम है, यानी इस पे जो आवेश होगा वो क्यू ए होगा और इस पे जो आवेश होगा वो क्यू बी होगा। तो प्रत्येक पर आवेश, इस पे भी आवेश कितना है? 6.5 × 10^-7 गुलाम, और दूसरे पर भी आवेश है 6.5 × 10^-7 गुलाम, और जो बीच की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे, 50 × 10^-2 मीटर, ये बीच की दूरी हो गई। तो कह रहा दोनों गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, तो F आपको ज्ञात करना है ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई, इन्हें ये दोनों गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग किन के नियम से ज्ञात करेंगे? कूलाम के नियम से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? एफ बराबर 1/4 πε₀ Q1, तो Q1 के स्थान पे कौन है? QA है, और इनटू क्या होता था? Q2, तो Q2 के स्थान पे कौन है? QB अपान कितना? R2। ठीक, अब गाइज इतने पूरे का मान कितना होता है? 9 × 10^9 होते हैं, और QA का मान कितना है? 6.5 × 10^-7, और QB का मान कितना है? 6.5 × 10^-7 गुलाम।
बटे क्या होता है आर स्क्वायर, बटे क्या है आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ, तो 50 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, आइए इसको फिर से लिखते हैं। 9 × फिर कितना है 6.5, फिर गुड़े कितना है 6.5, ठीक गुड़े। अब देखिए 10⁻⁷, 10⁻⁷ और -7 जोड़ के कितने हो गए -14, और ये पहले से है 10⁻⁹ और 10⁻¹४, ये कहाँ से आया, इन दोनों को प्लस कर दिए, और ऊपर क्या है सॉरी नीचे 50, तो 50 का गुड़ा दो बार कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद 2 × 4, 10⁻⁴ कितना आ गया -4 आ गए, ये 4 इनको कम कर देंगे, तो 4 कम हो गया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा 10 बचा। और देखिए उसके बाद आपके पास क्या है, ये पॉइंट काटेंगे तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, ये वाला पॉइंट काटेंगे तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आप दशमलव हटाना चाहते हैं। अब देखिए ये देखिए अब क्या लिखेंगे इसे, ऊपर बचा 9 × 65 × 65 × 10⁹, और यहाँ कितना बचा है, यहाँ आपका बचा 10⁻¹० सॉरी 10⁻⁰, हाँ 4 कटा है ना, 10⁻⁻¹० बचा है, और नीचे देखिए 1, 2, 3, 4, तो 5×25 और 1, 2, 3, 4, 4 क्या लग गए 0, ठीक ये हो गया। अब आप करोगे क्या, इसे 9 क्या लिखेंगे भैया, 9 × 65 और गुड़े कितना 9 × 65 × 65, और ये 10⁻⁰ कितना है 9 है, और वो 10⁻⁰ - 10 है यहाँ, बटे 25 × क्या आप इसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख दिए 10⁻⁴, ये 4 इनको कम कर दिए, तो यहाँ 5 बचा वहाँ -10 बचा है। अब हम क्या करेंगे आगे हल करते आइए, तो देखिए कुछ कैंसिल होगा, देखिए 13×65, 5×25, ठीक 5×5, 13×65, तो कितना बचा 9 × 13 × 13, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 9 × 13 × 13, ठीक। अब भैया क्या है 10⁻⁰ - 10, यहाँ कितना कटा था 4 कटा है, तो कितना बचा 5, तो 10⁻⁵ और 10⁻⁻⁰ घटा दीजिए, और 13×3 में 169, तो इन दोनों का इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 15×21 आएगा, और 10 में से 5 घट जाएगा 10⁻⁵ आएगा, ठीक। जो आपका दशमलव यहाँ है 1, 2, 3, तीन अंक इधर लेके आएंगे तो 1.52 हो जाएगा, जो दशमलव आपका यहाँ है वो तीन अंक इधर, इसमें 3 प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3+, तो जैसे 3+ होगा तो 5 में से 3 घट जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ गए 1.5×10⁻²⁹ न्यूटन का बल लगेगा यह बराबर। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आप कुछ नहीं करना था, केवल कूलाम के नियम से कॉल करना था। अब इसका दूसरा पार्ट आपको क्या कह रहा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, फिर हम लोग दूसरे सवाल इसके दूसरे भाग को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चल ठीक, अब क्या करते हैं इनको मूव करते हैं, इनका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसको रहने दीजिएगा क्योंकि अभी आपको ज़रूरत पड़ने वाली आगे। देख क्या करा, यदि दोनों गोलों को दुगना आवेशित कर दिया जाए, यदि दोनों गोलों को दुगना आवेशित, ये जो QA है और जो QB है इसको दुगना कर दे, तो दूसरा प्रश्न के अनुसार क्या है, आवाज़ बाहर आ रहा है आपका, ठीक। यदि दोनों गोलों को दुगना आवेशित कर दिया जाए, यानी QA बराबर क्या हो जाए 2QA, जो QA आवेश है वो 2QA हो जाए, और QB बराबर यानी दूसरे को भी दुगना कर दिया जाए तो 2QB हो गए, और जो दूरी है दूरी क्या कर दी जाए आधी कर दी जाए, तो जो दूरी आपकी R है वो दूरी क्या हो जाए R/2 हो जाए, जो दूरी इनके बीच की दूरी R होती थी वो R/2, जैसे 50 है तो 50/2 = 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत भी है किसी को, तब लगने वाला बल तो F' मानते हैं बराबर 1/4πε₀ QA QB/R², यही पढ़े थे। चलिए इसका मान 1/4πε₀ रखे रहते, QA का मान कितना है 2QA, और इनटू QB का मान कितना है 2QB, बटे कितना है भैया R² यहाँ क्या है R² के स्थान पे दूरी क्या हो चुकी R/2 का स्क्वायर हो चुका है, ठीक।
अब इसको हल करते हैं, आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 2 × 2 = 4 QA और QB बटे इसका वर्क करेंगे तो आर इसका, इसका वर्क करेंगे 2 × 2 = 4, ठीक। ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 16 QA और QB बटे कितना आर इसका, 16 को हम आगे लिखे तो 16 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बटे कितना है आर इसका। तो ये पूरा चीज़, ये पूरा चीज़ किसके बराबर है, आपने पढ़ा था अभी इससे वाले फर्स्ट पार्ट में, आपने देखा कि ये F के बराबर है, ये किसके बराबर है, F के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, F के, क्यों, ये बराबर आपने यही फार्मूला रखा था, तो कितना हो गया 16 × F, ये 16 × कितना हो गया F, ठीक, और ये F डैश, ठीक, तो F डैश बराबर 16 × F, यानी जो पहले बल लग रहा था, जितना पहले बल लग रहा था उसके 16 गुना बल बढ़ जाएगा, तो F का मान रख देंगे 16 × F का मान 1.52 × 10⁻²⁻ N, तो आप गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप आंसर लिख लीजिएगा, हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपका आंसर आया है 0.24, 0.24 न्यूटन का क्या लगेगा, यहाँ बल लगेगा, पहले कितना लग रहा था अब इतना लग गया, ठीक भैया। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका सेकंड भाग कंप्लीट हो जाता है, ठीक गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। गाइज आइए अब लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से पढ़िएगा गाइज, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आधार पे या ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इसे ज़रूर एक बार देखने का प्रयास करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। क्या कह रहा है, माना प्रश्न 12 में, यानी जो प्रश्न 12 में जो आपने माना है वही सब कुछ डेटा यहाँ भी लेके चलना है। माना प्रश्न 12 में गोले ए व बी परस्पर समान आकार के हैं, देख लीजिएगा मैंने खुद पहले से ही वो चित्र आपको जो 12 में बनाए थे वो यहाँ बना दिए हैं कि गोले और ए और बी वही समान आकार के हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में थे, एक तीसरा समान आकार का गोला जो आवेशहीन है, तो एक तीसरा गोला ले लेते हैं, ठीक, ये तो गोले ए और बी हो गए, एक तीसरा गोला ले लेते हैं सी, ठीक, ये लीजिए एक तीसरा गोला क्या ले लिए, सी ले लिए, जो कि क्या है आवेशहीन है, जो कि क्या है आवेशहीन है, इस पे आवेश है पर इस पे आवेश क्या है जीरो है। आगे कह रहा है पहले प्रथम गोले को संपर्क में लाया जाता है, यानी इसको पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है, फिर कह रहा तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है, इसको इसके संपर्क में कराने के बाद पुनः इसके संपर्क में लाया जाता है, आगे कह रहा और तथा अंत में दोनों को हटा लिया जाता है, यानी इनको संपर्क करा के इसे हटा दिया जाता है, तो ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षा बल ज्ञात करना है। तो आइए, मैंने थ्योरी पढ़ाते समय ये बता के रखा है कि किन्हीं भी दो आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में कराया जाता है तो जो आवेश की मात्रा होती है उस दोनों पृष्ठों पर, दोनों पदार्थों पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक बर्तन में पानी भरा हो और दूसरे बर्तन में पानी खाली हो, तो दूसरे पहले और दूसरे बर्तन को अगर जोड़ दिया जाए तो पानी दोनों में क्या हो जाता, बराबर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग इसको इसके संपर्क में कराएंगे तो इसका आवेश और इसका आवेश, दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली बार में लिखेंगे सी गोले को ए से संपर्क कराने के पश्चात, ए से संपर्क कराने के पश्चात ए पर बचा नया आवेश, ए पर बचा नया आवेश क्या मान लेते हैं, QA डैश, ठीक, बराबर क्या होगा, इसका आवेश कितना है QA है, इसका आवेश कितना है QC है, बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक। QA का मान कितना था आपने भी देखा था, QA का मान यहाँ देख लीजिएगा 12 में दिया गया था ना 6.5, कितना है 6.5 × 10⁻⁷, QC का मान 0 बटे कितना है 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे
तो क्यू ए डैश बराबर 2 से भाग देंगे तो 3.25 आएगा, 2 × 3 = 6। उसके बाद आप क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, 2 × 2 = 4, तो भाग दोगे तो आप इसको ये ना पा जाओगे, ठीक। गुणे 10⁻⁷ कूलाम, ये तो ए पर आवेश है, और सी पर आवेश कितना हो गया, सी पर भी तो इतना आवेश हो गया, बट गया, सी पर आवेश क्या हो जाएगा, क्यू सी जो क्यू सी जीरो था वो कितना हो गया, अब हो गया क्यू सी डैश बराबर कितना हो गया सी पर आवेश, भैया सी पर आवेश कितना हो गया 3.25 × 10⁻⁷ गुलाम। एक बार फिर से समझिएगा, आप जब इसको इसके संपर्क में लाए तो इस पर आवेश की मात्रा 0 था, तब क्यू सी बराबर 0 था, पर जब इसको इसके संपर्क में लाए तो संपर्क में लाने के बाद इसका आप जो आवेश था पूरा आवेश आधा इस पर हो गए, आधा इस पर हो गए, तो भाई ये देख लीजिए 3.25 इस पर, 3.25 इस पर। अब क्या करा दोबारा, तथा दूसरे केस में क्या करा, सी पुनः सी को बी के संपर्क में लाने पर, सी को बी के संपर्क में लाने के पश्चात बी पर नया आवेश QB डैश बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ जोड़े थे, अब कौन जोड़ेंगे भैया, C पर इतना आवेश आ चुका है, अब आपका C जीरो नहीं रह गया क्योंकि ये इसके पास जाके इतना आवेश ले लिया, तो हो जाएगा QC डैश + QB और बटे कितना 2। QC डैश का मान कितना है 3.25 × 10⁻⁷ कूलाम, और QB का मान कितना है 6.5 × 10⁻⁷ बटे क्या हो जाएगा 2। आप इनको हल कीजिएगा, तो इन्हें हल करेंगे तो 9.75 आएगा, कितना आएगा 9.75 × 10⁻⁷ और बटे कितना हो गया 2, तो आप इन्हें भाग देते हैं, तो देखिए इनको भाग देंगे तो 2 × 8 हो गए, कितने हो गए 2 × 8 एक बचा, दशमलव लगा देंगे फटाक से, फिर 2 × 8 = 16 एक बचा, फिर भैया 2 × 7 = 14 ठीक, और लास्ट में बचा 2 × 5 = 10, तो 4.875 × 10⁻⁷ गुणा ये QB डैश हो गया, कितने हो गए QB डैश, और अगर यही QC डैश तो आपको सी, अगर अब अगला क्या है QC डबल डैश, तो वो भी इतना हो जाएगा 4.875 × 10⁻⁷ गुणा, और इतना ये जो सी है, अब सी पर इतना आवेश आ चुका है, टोटल आवेश इतना आ चुका है, फिर सी को पुनः हटा लिया जाता है, तब ए और बी के बीच लगने वाला बल, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सी को हटा लेने पर ए व बी के बीच लगने वाला नया बल यह बराबर 1/4πε0 क्यू ए डैश और क्यू बी डैश बटे आर स्क्वायर। तो भैया अब आइए जरा से देखिए, एफ बराबर इतने पूरे का मान कितना है 9×10⁻⁹, ठीक, क्यू ए डैश का मान इतना है 3.25 × 10⁻⁷ कूलाम, फिर क्यू बी डैश का मान कितना है 4.875 × 10⁻⁷, बीच की दूरी वही है 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है तो दूरी वही है, तो मीटर हमने चेंज कर दिए। अब इसको आप हल करेंगे तो आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 आया, फिर 3.25 है, फिर क्या है भैया 4.875 है, गुणे 7 × 7 = 14 और 9 घटा दिए, तो 14 में से 9 घटा दिए 10⁻³ कितना आ गया 5 आ गया, और ये 50 का गुणा दो बार कीजिएगा 50 × 50 और ये 10⁻⁴, ये 5 ठुकार देंगे तो यहाँ 1 बचेगा 10⁻⁑, आगे हल करोगे तो हल करने पर आपको जो नया आंसर मिलेगा वो नया आंसर क्या मिल जाएगा भैया 5.7 × 10⁻³ न्यूटन, कितना आएगा, इनको सब कुछ हल करने के बाद आपका लास्ट उत्तर आ जाएगा 5.7 ×
दस घाते माइनस तीन न्यूटन। आपको क्या करना है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ अभी से क्या करना है आपको, केवल इनसे इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो आए वो 50-50 से भाग दे दीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, ये 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो कंप्लीट होता है। और डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भूलिएगा मत, ये आपके लिए पेपर के लिए आगे भी कंपटीशन में ऐसे कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, 14 नंबर क्या कह रहा, चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों का पथ दर्शाया गया। देखिए विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक, ये क्या है अभी आपका विद्युत क्षेत्र, एक मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बनाते समय लिखते समय गलती हो गई है, यहाँ विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब एक प्लस होगा एक क्या होगा माइनस, ये कोई जो ये माइनस प्लेट है, ये क्या है भैया माइनस प्लेट है, कौन सा प्लेट है माइनस। अब देखिए चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र के तीन आवेशित कणों का पथ दर्शाया गया है, तीनों आवेशों का प्रकृति ज्ञात करना है, यानी पहले दूसरे और तीसरे का प्रकृति बताना है, और किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात सर्वाधिक होता है। ध्यान से देख लीजिएगा गाइस, यही चित्र है, आपको इन तीनों आवेश कणों का वो प्रकृति बताना है, कौन धनावेश है कौन ऋणावेश है। तो आप जानते थे आवेशों की प्रकृति, आप जानते हैं ना कि क्या जानते हैं, जो धनावेश होते हैं वो ये जानते हैं आप, समान आवेश क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, ये जानते हैं नहीं आप, बिल्कुल जानते हैं। और जो विपरीत आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात आप जरा सा सोचिए, आकर्षित करने का मतलब कि यदि ये जो पहला और जो दूसरा है, ये जो पहला आवेश और जो दूसरा आवेश है वो किस प्लेट की ओर गया है, धन प्लेट की ओर गया है ना। फिर से देखिएगा गाइज, ये जो पहला और दूसरा आवेश है ये धन प्लेट की तरफ गया है, तो ये जब धन प्लेट की तरफ गया तो आप जानते हैं कि जो धनावेश होगा वो धन की तरफ कभी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि धनावेश उसको अपने से दूर ठेल देगा। तो ये दोनों जो हैं धन प्लेट की तरफ गए हैं, तो इससे पता चलता है कि पहला और जो दूसरा आवेश है वो कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो आप ध्यान से समझिएगा या लिखिएगा, क्या लिखेंगे, पहला आवेश और दूसरा आवेश ऋण आवेश है। क्या है भैया, ऋण आवेश है, क्योंकि ये दोनों आवेश धन प्लेट की तरफ विचलित हुए हैं। क्या हुए हैं, विचलित हुए हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, ठीक। आइए लास्ट देखते हैं, फिर तीसरा क्या है, जो तीसरा आवेश है वो ऋण प्लेट की ओर विचलित हुआ है, तो ये कौन सा आवेश हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। तो तीसरा जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, धनावेश है, क्योंकि यह कण ऋण प्लेट की तरफ विचलित हुआ है। क्या हुआ है, विचलित हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये पहला हो जाता है। इसी में दूसरा पूछा है कि किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात सर्वाधिक होगा, तो ध्यान दीजिएगा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, आवेश द्रव्यमान अनुपात प्रोपोर्शनल होता है विचलन, आवेशित कण का विचलन। ये ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ गौर से देखिएगा कि कौन से कण ज़्यादा विचलित हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि पहला और जो दूसरा है वो जो तीसरा कण है वो यहाँ से डायरेक्ट ज़्यादा विचलित हुआ, यानी वो ऋण प्लेट की तरफ ज़्यादा विचलित हुआ है, और जो पहला और दूसरा है वो कम विचलित हुए हैं, यानी अतः लिख देंगे, अतः आवेशित कण तीन आवेशित
आवेश कण 3 का द्रव्यमान अनुपात सर्वाधिक होगा। द्रव्यमान अनुपात सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। तो इस प्रकार आपका ये जो आज के वीडियो के लेक्चर में जो आपके 14 तक क्वेश्चन नोट किए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। हे गाइज, उम्मीद करते होंगे कि आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।